इंदौर के राला मंडल वन अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत हुई है। इससे अब सैलानियों का रोमांच बढ़ जाएगा और वे नाइट में भी लुत्फ उठा सकेंगे। सैलानियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी बातों को ध्यान में रखा गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट व आईडीए के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा ने रविवार रात को हरी झंडी दिखाकर नाइट सफारी को रवाना किया। इस दौरान डीएफओ नरेंद्र पड़वा व वन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मंत्री सिलावट ने कहा कि नाइट सफारी इंदौर में पर्यटन के लिए एक आकर्षण है। उन्होंने वन मंत्री कुंवर विजय शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 30 जून को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप उन्होंने नाइट सफारी प्रारंभ करा दी है। राला मंडल मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। जब मैं 1984 में वन विभाग के तहत संसदीय सचिव था, तब प्रयास करके इस अभ्यारण्य को अधिसूचित करवाया था। अब शहर के सीमावर्ती इस अभ्यारण्य के प्रति और उत्साह बढ़ेगा और वे भरपूर आनंद ले सकेंगे। एक तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आज उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस इस अमृत उत्सव हमने मनाया, मैं इंदौर वासियों को, भाई और बहनों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। उसी के साथ इंदौर में एक नया इतिहास, नाइट सफारी तारा मंडल में बड़ी सौगात इंदौर वासियों को वन विभाग द्वारा दी जा रही है। इस सौगात के लिए मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय वन मंत्री कर्मठ मंत्री मेरे भाई मेरे मित्र विजय शाह जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, साथ में पर्यटन और संस्कृति मंत्री ऊषा जी का, साथ में हमारे सम्माननीय विधायक जी का, सम्मानी जो कि मधुभिया विकास और प्रगति में हमेशा रुचि लेते हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और संकल्प सरकार का संकल्प है कि ऐसे पवित्र स्थान का राला मंडल जैसे जो कि 234 हेक्टर में विकसित है, इसका उन्नयन भी होगा, इसका विकास भी होगा, इसकी प्रगति भी होगी और इंदौर वासियों को एक नया पर्यटक के रूप में, एक नए पर्यावरण के रूप में ये स्थान चिन्हित होकर उनको मिलेगा। प्रमुख बात सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी, क्योंकि महिलाएं युवतियां भी रहेंगी रात में? देखो, हमारे बेटा भी आएगा तो बेटी भी आएगी, पिता आएगा तो माँ भी आएगी, बहन भी आएगी, इन सबकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, इसकी मैं तुरंत समीक्षा करने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि ये चालू हो गई आज से नाइट सफारी, यहाँ तो लगातार बहुत मैंने इतनी संख्या में लोग आएंगे कि यहाँ पर बहुत सारी साधन भी अपने को जुटाना पड़ेगा, कई चीज़ें यहाँ पर और अन्य करना पड़ेगी, क्योंकि क्या है पर्यटक स्थल इस टेकरी मात्र से नहीं होगा, यहाँ पे अन्य सुविधा भी जुटाना पड़ेगी। कहीं ना कहीं हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि के नाते विजय शाह जी के नेतृत्व में और तुलसी भाई के नेतृत्व में मेरा भी ये प्रयास होगा कि यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या सुधार के लिए सहयोग दे सकते हैं, क्या क्या वन विभाग को हम लोग बता सकते हैं कि ये काम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर और लोग आएंगे। एक और अभी पिछली बार चर्चा हुई थी, यहाँ पर देवगिरिया पहाड़ से लेकर राला मंडल तक एक केबल के माध्यम से यहाँ पर वो बनने वाला था झूलट। उस समय पिछली बार क्या हुआ था, कुछ कारणों से कोई एकाध प्राइवेट ज़मीन बीच में आ रही थी जहाँ पीला रहना था, उसके कारण वो रह गया, नहीं काफ़ी आगे वो काम बढ़ चुका था। पिछली बार भी चर्चा हुई थी और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि विजय शाह जी से बात करके, तुलसी भाई से, सबको लग के कि ये भी चालू हो जाए, तो ये देवगराड़िया की पहाड़ी से लेकर यहाँ तक ये केबल कार चालू हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ वो भी एक मतलब इंदौर शहर को एक नई सौगात इसमें मिल जाएगी। वहीं वन विभाग के डीएफओ नरेंद्र पड़वा ने बताया कि भोपाल में हुई बैठक के बाद से ही वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसको साकार रूप अब मिल गया है। उन्होंने सुरक्षा के मापदंडों को लेकर कहा कि राला मंडल में वन विभाग का अमला तैनात रहेगा। देखिए, नाइट सफारी की का जो प्रस्ताव था वो हम भोपाल बैठक में गए थे जब मई के महीने में, तब हमारे माननीय वन मंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि यहाँ पर इंदौर में जिस तरह भोपाल में नाइट सफारी होती है, वहाँ पर इंदौर में भी शुरुआत की जाए ताकि इंदौर के लोगों को भी इसका आनंद मिल सके। सभी लोग आए थे तो उसी में ये निर्णय, उसी के अगले दिन से हमने इसका ट्रायल रन शुरू कर दिया था। तो उस ट्रायल रन में हमें ऐसी कोई विशेष दिक्कतें नहीं आई है सुरक्षा की, पर फिर भी जैसा आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया, सुरक्षा एक विशेष मुद्दा है और खास करके जब यहाँ पर पर्यटन लोग, जैसे आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर औपचारिक शुरुआत की है, इसके बाद यहाँ पर
स्वाभाविक है कि यहाँ पर सैलानी बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो इस दृष्टि से हमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमारा विभाग में, हम लोग भी महिला कर्मचारी वगैरह को भी यहाँ पर तैनात करते हैं। हमारी तो रेंजर मैडम ही यहाँ पर हैं, तो वो भी स्वयं भी रहती हैं। राला मंडल अभ्यारण 1984 में बना था, जो करीब 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 60 से ज्यादा हिरण, चीतल और 12 सिंगा, नील गाय आदि है। ऐसे ही 300 से ज्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे हैं, जिनमें औषधीय भी है। पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ दूसरी जगहों से वन्य जीव भी लाए जाएंगे। यहाँ सबसे ऊपर शिकारगाह है, जिसे देवगुराड़िया पहाड़ से जोड़ने के लिए केबल कार चलाने की भी योजना है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।